हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने एग्जाम जो रिलेटेड आपके एसएससी से। एसएससी एमटीएस का एग्जाम 12 मई को हुआ था, 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। तो ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है इस दिन का। तो इसमें हम जो चेक करने वाले वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखे हैं, किस तरह से आपके मैथ के क्वेश्चन बनाए गए। तो अपना चेक करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन को लेकर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो 3/27 हो जाएगा। 3/27 मतलब यहाँ पर तो होगा वो 45 गुना 3/27 हो जाएगा पहली ब्रैकेट में, और गुना में 4 कर दोगे। ओके, दूसरे में 81/5 हो जाएगा, गुना में 85/51 हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से इन ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। 108/18 है, गुना 7/21 है। और लास्ट ब्रैकेट में 133/3/38 है, गुना 4 है। तो इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 18 से आपका 6 पे चला जाएगा, 7 से आपका 3 पे, 3 से आपका 2 पे। ठीक है, तो नीचे जो ब्रैकेट के नीचे जो नंबर होगा वो 2 होगा। 3 से कट करो, 3 9 से 5 पे। ठीक है, ऊपर कितना आ जाएगा, 5 20 आ जाएगा, इंटू में ब्रैकेट का मल्टीपल इंटू होता था। और 81 नहीं कटेगा किसी से, चलो किसी से नहीं कटता तो सोल्व करेंगे। 5 से कट करो, 5 5 और 5 17 5 हो जाएगा 85। 17 से कट करो, 17 1 17 17 3, और 3 से कट करोगे तो 3 से आपको ये 27 चला जाएगा, इधर आपको 27 बचा। ठीक है, 4 से कट नहीं होगा, 38 किस से कट होगा, 38, चलो कोई नहीं, कट नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं, 133/3/4 को एज इट इज रखते हैं, और ऊपर रख देते हैं 38 को। ठीक है, और सोल्टा सोल्व करोगे तो 3 से आपका ये 9 पर चला जाएगा, राइट, और 4 से आपका ये 5 पे चला जाएगा। ओके, और 19 दूनी और 19 7। ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया भाई, 2 से 2 और कट कर दो, 5 9 45, ऊपर तो 45 और नीचे 7 है, तो 45/7 आपको करेक्ट करेक्ट आंसर दे देगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन दे रखा हूँ। बोला कि रेडियस ऑफ स्फीयर इतना दे रहेगा, 3/4 ऑफ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा अगर आप 3/4 करोगे, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, इनके वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के बीच में वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 πr³ होता है, राइट, और नीचे ये स्फीयर का और हेमिस्फीयर का हम करेंगे तो 2/3 πr कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, स्मॉल r लिख लेते हैं। तो 3 से 3 कट करो, 5 से 5 कट करो, 2 से 2 हो जाएगा कट। ठीक है, तो ऊपर तो 2 r³ और नीचे जो रेशियो में आएगा r³ आएगा, तो इसको सोल्व कर दीजिए। तो स्फीयर ये आपका स्फीयर का, इधर ये आपका हेमिस्फीयर का है, स्फीयर को पुट करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, अरे यार क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ठीक तो है और हेमिस्फीयर, तो इसको 3 यहाँ पर पुट करोगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा, इधर क्या करोगे, 2 × 4 का क्यूब करोगे, तो 2 × 4 का क्यूब, 2 × 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, इंटू में 27 हो जाएगा, राइट, और ये कितना सोल्व हो जाएगा भाई, क्या कर दिया इन्होंने, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 3, अच्छा अरे सॉरी सॉरी, ऊपर 3 आना था, नीचे मैंने गलत लिख दिया, कोई नहीं, तो यहाँ पर ठीक कर लीजिए, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 × 27 हो जाएगा इज इक्वल टू 64 हो जाएगा, 2 से कट करोगे तो 32 हो जाएगा, 27/32 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक बॉय जो स्विम कर रहा है स्टिल वाटर में, स्पीड 40 की है, अगर इसकी स्पीड एक्स है तो ठीक है, स्पीड ऑफ करंट बताना है, ये स्पीड है तो ये स्पीड करंट की स्पीड होगी, धारा की स्पीड होगी, तो फाइंड द टाइम इन विच बॉय 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम में दोनों के डिफरेंस होता है, ठीक है, x − y स्पीड का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व हमने करना है। तो अपस्ट्रीम क्या होता है कि एक तरफ मतलब ये आपकी पानी की धारा जा रही है और इसके अपोजिट आप तैर रहे हैं, तो अपोजिट तैरते हो तो हम क्या देखते हैं, डिफरेंस डिफरेंस देखते हैं,
तो 25 किलोमीटर जा रहे हो, डिफरेंस कर रहा है एक्स माइनस वाई, 40 माइनस 15, सोल्व कर दीजिए इसको, 25/25 आपका राइट आंसर दे देगा ए, क्योंकि ये ऊपर डिस्टेंस है, ये रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, ठीक है, नीचे और टाइम आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि टीना जो है 15 दिन में काम कर रही है, मान्या जो है 18 दिन में कर रही है, टीना 15 दिन में कर रही है, मान्या 18 दिन में कर रही है, अगर दोनों काम करे 6 6 दिन, पहले तो टोटल काम निकाले, टोटल काम कितना है 90, एलसीएम सॉल्व किया, 15 6 90 होता है, 18 5 90 होता है, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अगर ये दोनों मिलकर 6 काम करते हैं, दे वर्क फॉर 6 डेज, तो टोटल मिला कितना काम करें, 6 और 5 11 हो गया, तो अब दोनों मिला के 6 दिन करेंगे, तो गुना 6 कर लीजिए, 66 हो गए। तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क की लेफ्ट, लेफ्ट कितना काम बचा, 90 में से 66 काम हो चुका है, बचा कितना 4, और 24 काम बचा कितने में से, 90 में से कट कर लीजिए 6 से 6 चौक और 6 15, 4/15 आपका काम बचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बोला कि एक शॉपकीपर पेंसिल खरीद रहा है होलसेलर 20 रुपये में, 40% पेंसिल, ठीक है, अगर वो सारी पेंसिल को बेचे तो 20 रुपये में 20 पेंसिल जाएंगी, ओके, तो क्या होगा, फायदा होगा। देखो यहाँ पर आप देखो, अगर आपके पास ₹20 है और 20 में आप 40 पेंसिल खरीद रहे हो, ठीक है, और ₹20 है, रुपये तो क्या है सेम है, लेकिन क्या है इसके जो पेंसिल कीमत है, तो 20 रुपये क्या गया, 20 पेंसिल इसने एक्स्ट्रा बचा ली, क्योंकि इसने 20 यहाँ पर सेलिंग की, यहाँ पर खरीदा था, ठीक है, 20 पेंसिल तो इसने अभी बचा रखी है, वो 20 पेंसिल बचा रखी है, तो मतलब ये सारी पेंसिल क्या होगी, प्रॉफिट में जाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट में जाएंगे, तो मतलब कितना प्रॉफिट हो गया आप देखोगे तो 100 का 100 सीधा% हो गया, और बाकी अगर आपको सीपी एसपी निकालना, तो ये सीपी क्या हो गया, सीपी मतलब 1 रुपये में 2 पेंसिल खरीद दी, राइट, और 1 रुपये में कितनी बेच रहा, एक, ओके, 1 रुपये में एक बेच रहा है, 1 रुपये में 2 खरीदी, तो इसका मतलब यहाँ पर जो सीपी हम निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है, मतलब जो एसपी का सेलिंग चीज होगी, और सीपी की जो सेलिंग होगी वो आपका एसपी मतलब प्राइस के बराबर लिख देंगे, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, एक का हो रहा है, कितने पे, सीपी पर, सीपी कितना, 1 × 100 कर लीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा 100%, आपका सीधा साधा प्रॉफिट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब कि 15 बुक्स जो है सोल्ड की गई है 2200 रुपये में, गेनिंग ए कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बुक्स, 5 रुपये की प्रॉफिट पर, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बुक्स, जितने भी कॉस्ट प्राइस है देखते हैं, तो 15 बुक है 2200 में बेची गई है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक बतानी है, तो हम एक की निकाल लेते हैं, ठीक है, एक की निकालोगे तो यहां से 15 2200 / 15 कर लो, 15 1 15 कितना हो गया भाई, 7 0 15 चौक, 15 चौक 60, 100, नहीं भाई, तो हम एक दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं, ठीक है, तो मान लो सिंपल तरीका देखते हैं, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं एक्स हो जाएगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर एक्स है एक बुक का, यहाँ पर हम वन बुक की वैल्यू एक्स मानेंगे, ओके, अब मैं कह रहा हूँ कि 15 बुक हमने बेच दी, 15 बुक खरीदी, मतलब पहले 15 बुक खरीदी होगी मैंने, 15 बुक की कीमत कितनी हो जाएगी, 15x हो जाएगी, राइट, प्रॉफिट कितना हुआ, 5 बुक का, तो 5 5x का प्रॉफिट हुआ, कब हुआ, जब 2200 रुपये में मैंने बेच दी, ठीक है, तो ये तो आपका एसपी हो गया, और यहाँ पर आपका सीपी 15 बुकों पर, तो 15 बुकों का सीपी कितना, 15x, तो सीपी को माइनस करोगे जब भी तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट कितना है, 5x आएगा, ठीक है, सोल्व कर दीजिए, 200 2200 इधर रख दीजिए, और 15 को उधर ले जाओगे तो 20x आ जाएगा, 20 से कट करोगे 0 से 0, 2 से कट करोगे तो आपके पास सीधा साधा आंसर दे देगा, 110 दे देगा, ठीक है। बाकी अगर आप सोल्व भी करना चाहो लॉजिक तरीके से, तो कुछ नहीं करना, अपन जो आपको प्रॉफिट, अगर यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है 5 बुक का, तो 15 में प्लस कर दीजिए और डिवाइड बाई कर दीजिए, अगर आपको लॉस दिखा रखा है यहाँ पर, तो 15 में क्या करें, जो जितनी बुक जितनी चीज आपको दे रखी है उसमें से उतनी को माइनस कर दीजिए, और प्लस कर दीजिए आपके वैसे सीधा साधा आंसर दे दे, सॉरी माइनस कर दीजिए आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्लास में 70 बच्चे हैं, 70% गर्ल्स हैं, रिमेनिंग बॉयज हैं, एवरेज ऑफ गर्ल्स इतना है और बॉयज इतना है, तो एवरेज मार्क्स
बताना सभी का, तो 70 में से 70% 70% कितना हो जाएगा? 49। 49 बच्चे जो है वो आपके किसमें है? गर्ल्स है। 49 जो है गर्ल्स है, बाकी बॉयज है। बॉयज कितने हैं? 21 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि एवरेज मार्किंग ऑफ गर्ल्स 30 है, तो इसकी मतलब उन्हें टोटल निकाल लीजिए, 30 मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 7 और 3 4 12 और 2 14 मल्टीप्लाई करिए। दैट बॉयज की कितनी है? 40 है, तो 40 7 मल्टीप्लाई 0 4 और 8 होगी, तो प्लस कर दीजिए, जब भी तो टोटल आएगा, तो टोटल करोगे तो प्लस कर दीजिए 0 1 और 8 और 4 12 और 1 13 और 2 2310 हो गए। ठीक है, 2310 क्या है? टोटल मार्किंग है कितने की? 70 की। तो बोला कि एवरेज बताना, तो एवरेज क्या होता है? टोटल में से जितने आपको दे रखे हो उसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 7 की 21, 7 की 21 33, आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सोल्व करना है। इसको सोल्व करोगे तो पहले ब्रैकेट सोल्व करो। 50 में से 44 6 6 और 5 11, ओके, यहाँ तो 11 है, तो 3 गुना 11 33 हो गए, राइट? 3 गुना 11 33 हो गया। 33 2 44, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 प्लस 33 प्लस 40 गुना 33 0 0 3 चौक 12 3 चौक 12, ओके, ये आपका मल्टीप्लीकेशन है। बस इसको सॉल्व करना है, तो 33 ये आपका 7 6 प्लस 13 120 कर दीजिए, तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा? यहाँ 5 आएगा भाई। ठीक है, 13 7 7 आपका आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। थर्ड प्रोपोर्शन है 10 और x का 90 है, थर्ड प्रोपोर्शन 12 और y का 27 है, तो x+y की वैल्यू में बताना। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? देखो यहाँ पर अगर मैं देखू 10 x और 90, ठीक है, तो हम x का स्क्वायर और कर देंगे और इसको 10 × 90 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई? 900 x स्क्वायर की, और x की वैल्यू करेंगे तो स्क्वायर रूट कर देंगे 30 आई। ठीक है, सेम आपको 12 y और 27 में करना है, तो y स्क्वायर कर दोगे तो 12 × 27 होता है, 12 × 27 आप करोगे 324 होता है। ठीक है, और y की वैल्यू स्क्वायर रूट कर दोगे तो 18 आ जाएगी। ठीक है, 30 और 18 का प्लस करना है, आपने 30 और 18 का प्लस करोगे तो कितना आएगा? 48 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बोला कि एक क्वेश्चन 28 आर्टिकल को सोल्ड करता है इतने रुपए में और लॉस करता है 20% का, हाउ मेनी आर्टिकल सोल्ड ही सेल 4400 में, कितने आर्टिकल सेल करेगा ताकि उसे 10% का क्या हो? प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर आप देखोगे 28 आर्टिकल जो SP है वो इतना, तो इस एक SP of 1 आर्टिकल ले लो, आर्टिकल 1 आर्टिकल का कितना SP हो जाएगा? 2800 बटे 8, 28 कितना हो गया? 100। ठीक है, बोला कि लॉस 20% का है, तो लॉस क्या करोगे? माइनस करोगे, सॉरी 100 में से लॉस करना, तो CP जो आएगा, CP of 1 आर्टिकल कितना आएगा भाई? 100 की चीज है और 100 पे 20% का नुकसान गया था, तो 100 बटे 80 हो गया, क्योंकि 20, देखो CP SP × loss, SP × 100 - loss, सॉरी SP × 100 / loss फॉर्मूला होता है। ठीक है आपका, तो इसको सोल्व करोगे तो 0 से 0 आप कट कर दोगे, 4 से आपका ये कट हो गया 25, ये 4 से कट हो गया 2 पे, 2 से आपका कट हो जाएगा 5 पर, तो यहाँ से कितना आ गया? 125 आ गया। CP कितना आ गया? 125 आ गया। ठीक है, राइट, अब CP तो 125 है, अब बोला कि नया SP बताना, तो नया SP निकालना है, तो नया SP न्यू SP कितना होगा? 10% प्रॉफिट के साथ होगा, किस पे? 125 पे, तो 125 के साथ 10% का प्रॉफिट दिखा दीजिए और बटे 100 कर दीजिए, 0 से 0 कट करोगे तो 5, ये कितना हो जाएगा? 125 × 11 और आगे क्या करना है हमें? 100 भी तो लेना ना, 4400, तो इसको इतना सोल्व रहने देते हैं, 4400 लेना, तो 4400 में कितना बेचना है? एक में इतना बेचेगा, 4400 में कितना बेचेगा? इसको डिवाइड कर दीजिए 125 और 11 को नीचे रख दीजिए और ऊपर 11 10 को रख लेंगे। ठीक है, तो 11 से कट करोगे 400 होता है, 25 से कट करोगे 25 यहाँ गुना 100 कर लेता हूँ, 4 गुना 100 25 से 4, 25 से 5, 5 से 2,
4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। बोला कि 25 गुना 7, अच्छा 16 हो गए, तो 7 से 1 कम, 7 से आपका 25 गुना 7 175 है, तो होता है 1 से 1 गया, तो 1 माइनस 14 दूनी 28। ओके, और 28 पे कितना गया, ये 8 7 तो 56, 7 पे चला गया, 7 प्लस 25 से 25 गया, 25 गुना 3 75 हो गया। राइट, क्या कर दिया मैंने, गलत कर दिया भाई, ये बीच वाला गलत कर दिया। 14 से कट करोगे, 14 1 14 हो गया, 14 दूनी 28 हो जाएगा। राइट, और 75 76 माइनस 28 हो गया, 76 माइनस 28 करोगे तो 48 आपका सीधा साधा आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि हाउ मच टाइम, कितना टाइम लेगा एक अमाउंट 450 रुपए में 47.25 सिंपल इंटरेस्ट 3.5% के लिए, कितना टाइम लेगा। उसने 47.25 इधर रख दीजिए, 450 क्या एक प्रिंसिपल हो जाएगा, और इंटू में 3.5% डिवाइड बाय 100 इंटू टाइम कर दीजिए, आपका आंसर दे देगा। इसको नीचे 100 कर दीजिए और इसको 1 और 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि डेसिमल हट जाए आपके, तो 00 00 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, पांच से कट करेंगे 5 7 और 5 से कट करेंगे 5 निम 2 2 5 6 5 5, 7 से कट कर दो, 7 एकम 7 और 2 4 7 21, 7 5 45 से कट करोगे तो 3, तो टाइम की वैल्यू सीधा साधा 3 आ गया। फॉर्मूला पुट करना था और आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एरिया ऑफ बेस ऑफ ट्रायंगल इतना है, एरिया ऑफ बेस ऑफ रेक्टेंगल टैंक इतना है, वॉल्यूम ऑफ जो है वॉल्यूम इतना हो जाएगा, तो डेप्थ ऑफ निकालनी है। डेप्थ क्या होता है, लेंथ, बेस कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, और डेप्थ क्या हो जाएगी, एक हाइट हो जाएगी, इस हाइट की मल्टीप्लाई करानी है। राइट, तो एल इंटू बी की वैल्यू 720 दे रखा है, एच की वैल्यू आपको निकालनी है, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 28 800 दे रखी है, ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 72 से आप कट करोगे तो 72 से सीधा 4 पे चला गया, सीधा 4 पे चला गया, तो 40 आंसर आ जाएगा, एच की वैल्यू 40 आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक नंबर को डिवाइड किया गया जिसका रेशियो ये है 5:7 का, जब 6 ऐड किया गया दोनों में तो रेशियो चेंज हो गया 7:9 का, तो ग्रेटर नंबर बताना, तो पहले रेशियो कितना था 5 और 7 का, बाद में चेंज होने के बाद 6 7 और 9 का, गैप चेक कर लिए, 2 इधर इंक्रीज हुआ 2 इधर ही इंक्रीज हुआ, लेकिन इसने कितना बोला, ये इंक्रीज कितना किया 6 का ऐड, तो इस 2 की वैल्यू कितना है, 6 की वैल्यू, ये 2 कितने के बराबर है, 6 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर आपका ये है 5 और 7 में, तो 5 7 के साथ हम 3 की मल्टीप्लाई करा देंगे, 21 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कि 3 मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रहा था 600 रुपये, तो प्रिंसिपल आपको बताना है, तो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट है 600 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल आपको निकालना है, 15% है, 15/100 कर दीजिए, टाइम कितना 3 महीने, 3 महीने के साल बनाओगे तो 3/12 कर दो, क्योंकि जब भी साल आपके बन जाएंगे। ठीक है, 15 से कट करो, 15 चौके 60 और 1 0 और 3 से 4 गया हूं। ओके, तो पी की वैल्यू कितनी है, 40 तो इधर है, 100 यहां से लेके गया मैं और 4 भी इधर लेके गया, तो आप इसको सोल्व करें तो 16 आ जाएगा, आपको सीधा साधा आंसर दे जाएगा, कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ। बोला कि 40% ऑफ x, 40% ऑफ x इज इक्वल टू 25% ऑफ 20, परसेंटेज से परसेंटेज कट करो, 21 जा 22 जा, ठीक है, तो 2x की वैल्यू 25 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 25/2, जिसको पॉइंट में लिखेंगे 12.5 आपका आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या तो बोला, स्ट्राइक रेट ऑफ जे इज व्हाट परसेंट ऑफ स्ट्राइक रेट ऑफ एन, जे की स्ट्राइक रेट कैसे निकालेंगे, यहां पर दिया गया नंबर ऑफ रन सपोर्ट, नंबर ऑफ बार, नंबर ऑफ रन स्कोर जे के द्वारा कितना है, जे के द्वारा 80 है, और बॉल कितनी है 35 है, तो 80/35 गुना 100 कर लीजिए। ठीक है,
तो 80/35 गुना 100 हो जाएगा। ओके, तो कितना परसेंट है किसके अकॉर्डिंग, एन के अकॉर्डिंग। आप सॉल्यूशन मत करो नहीं तो टाइम बर्बाद करोगे। तो मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई किया। एन के अकॉर्डिंग करना है तो 50/50 गुना 100 कर लीजिए, तो 50 से 50 एक हो गया, तो 100 से 100 यहाँ कट गया। तो आपके पास सीधा साधा आंसर जो जाएगा 80/35 गुना 100 हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर दीजिए, इसको सोल्व करोगे तो 7 से आपका 5, 16 पंजे और 7, तो 1600/7 जाएगा। इसको कट करोगे तो 16 दूनी 14, 16 1 0 2 0, 16 दूनी 2 2 समथिंग जाएगा। देख लो आप, 2 2 समथिंग जाएगा, तो 2 2 समथिंग इधर ही है। ये आपका राइट आंसर दे देगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप इसको पूरा सोल्व करके देखिए कि क्या जाना चाहिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं आपका। एक लड़की है जो ए बी से चलती है 60 की स्पीड से, वापिस आती है 30 की स्पीड से, पूरा टाइम ये 5 घंटे में कवर करती है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बताना है। तो हम क्या करते हैं कि 60 की स्पीड से गई और 30 की स्पीड से आई, तो टोटल टाइम 5 घंटे। पहले हम क्या करते हैं, 60 की और 30 का एवरेज टाइम निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है, अगर एक्स वाई है तो 2 × x × y होता है, और x+y होता है, और टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2 × 60 × 30 और नीचे 90 हो जाएगा, इंटू टाइम कितना 5 है। सोल्व कर दीजिए, तो 30 से कम 30, 30 3 3 से आपका ये कटेगा तो 20, तो 2 × 2 = 40, 40 × 5 करोगे तो, 40 × 5 करोगे तो आपका क्या आएगा, 200 किलोमीटर। लेकिन ये 200 किलोमीटर आंसर नहीं जाएगा, क्योंकि इसने बोला है ए से बी, और जो हमने सोल्व किया है यहाँ पर, सोल्व किया है वो आपको क्या निकाला है, दोनों साइड का निकाला है, एक बार गया और एक बार आया, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, एक साइड चाहिए, तो एक साइड चाहिए तो ÷2 कर दीजिए, तो 100 किलोमीटर आपका आंसर चला जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ आया। अगर समझ नहीं आया तो आपको क्या करना है, डी करना है तो ÷2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर इस 2 को हटा दीजिए, जो भी आपकी मर्जी है वो सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि सम कारपेंटर जो है प्रोमिस करते हैं किसी काम को 20 दिन में करने के लिए, लेकिन काम स्टार्ट हुआ 8, उनमें से 8 अब्सेंट हो गए, बाकी के 3 उन्होंने काम, बाकी के सभी ने 40 दिन काम किया, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ कारपेंटर्स बताने। तो हम सिंपल तरीके से करते हैं, मान लो एक्स आदमी थे ओरिजिनल जो है वो 20 दिन में काम करने का वादा करते, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल काम आ जाएगा। लेकिन जैसे ही काम स्टार्ट हुआ तो 8 अब्सेंट हो गए, तो टोटल आदमी में से कितने अब्सेंट हो गए, 8 अब्सेंट हो गए, तो x-8 आ गया। बाकी ने कितने दिन किया, 40 दिन, तो इन्होंने 40 दिन किया। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 21 + 22 का, तो x = 2x-16 होता है, और 2x को इधर लाओ तो -x = -16, तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 16। ओरिजिनल नंबर पूछा था और यही हमने माना था, ये आपका राइट आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि इस मार्क इन फिजिक्स इज 1% मोर देन मैथ। फिजिक्स यहाँ पर है, फिजिक्स आपको 54 100 करा रहा है यहाँ पर, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो। मैथ यहाँ पर 40 है। बोला कि फिजिक्स के नंबर कितने हैं अकॉर्डिंग टू मैथ, अगर मैथ को नीचे डिवाइड कर दीजिए इनटू में मोर, कितने ज्यादा हैं, तो आप देखोगे 54 से 40 कितने ज्यादा, 14 ज्यादा, तो 14/40 आएगा, इंटू में 100 कर दीजिए, आपका आंसर दे देगा 2, ये आपका हो जाएगा। और 20 से 5 गया तो 2 7 5 7 गया, 7 5 35 आ गया, तो 35% आपका सीधा साधा आंसर दे देगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के 20 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन समझ आया होगा। इजी क्वेश्चन है, थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, नए पैटर्न के क्वेश्चन दिए हैं इसी में। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।